सो हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉक स्टाइल एवं यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा एडिलेड स्टैगर वर्सेस सिडनी सिक्सर के बीच। जो फ्रेंड्स मैच खेला जाएगा 23 मैच, इसका मैं आपको ड्रिलमेंट टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यह बात करते हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं आपको मैच इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पिच रिपोर्ट, टीम न्यूज, प्लेइंग इलेवन के साथ साथ जो मैं आपको ड्रिलमेंट टीम भी दूंगा, साथ ही साथ आपको जो है मैच प्रेडिक्शन भी देने वाला, जिसे क्या फॉलो करके काफी अच्छा ड्रीम इलेवन पे अमाउंट विन कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे इस मैच की इन्वेस्टमेंट की। अगर आप यहाँ से ड्रीम इलेवन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट जो ग्रैंड लीग, ये जो मैच है ये ग्रैंड लीग वाले मैच नहीं है, आप स्मॉल लीग में ज्यादा इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि अगर फ्रेंड्स ये जो मैचेस है ऑलमोस्ट स्मॉल लीग के लिए वन ऑफ द बेस्ट मैच है। अगर आप यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट जो है अच्छी खासी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी आप अमाउंट भी विन कर सकते हैं। बाकी फिर बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन की। तो फ्रेंड्स ये जो मैच खेला जाएगा इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम कॉफिन हार्बर में खेला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ की पिच की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो ये जो है ऑलमोस्ट बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनते हुए नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 180 to 190 के आसपास जो है आपको स्कोर बनता हुआ नजर आएगा और ज्यादातर बैट्समैन को हेल्प मिलता है, बॉलर को उतना कोई खासा हेल्प नहीं मिलता। तो अगर आप यहाँ से फ्रेंड ड्रीम इलेवन टीम बना भी रहे हैं तो ऑलमोस्ट 4 से 5 बैट्समैन को अपनी टीम में रख सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वही बात करते हैं फिर टीम न्यूज की। तो फिर टीम न्यूज देने से पहले अगर आप लोग जो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ फ्रेंड्स इस मैच से रिलेटेड कुछ भी लास्ट टाइम पे अगर कोई न्यूज वगैरह आता है तो अगर वो पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दिया, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे जो आपको लास्ट टाइम पे अगर कुछ अपडेट वगैरह आता है तो आपको जो हमारे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम दोनों में से कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टीम न्यूज की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से दो चेंजेस हुए, वो यहाँ थे फ्रेंड्स मिचेल लिसर और लैम कॉर्न का जो है स्क्वाड में नया जुड़े हैं। साथ ही साथ यहाँ से फिर बात करते हैं वेस्टर्न एगर और हेनरी निसल, ये दो को जो है बाहर किया गया, तो आप इन दोनों को ट्राई ना करें। साथ ही साथ मिचेल लिसर और लैम कॉर्न को ट्राई कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों जो आपके लिए ग्रैंड के लिए अच्छे चॉइस बन सकते हैं। वही बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे प्लेइंग इलेवन की। तो सिडनी सिक्सर की तरफ से आपको जे फिलिप्स और डैनियल हक्सी ओपन करता नजर आएंगे। वही बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर तीन पे, तो आपको जे जॉयविंस जो है नंबर तीन पे खेलता नजर आएंगे। साथ ही साथ मोजेस हेंड्रिक्स चार पे खेलेंगे, जिस जॉर्डन सिल्क आपको नंबर पांच पे खेलता नजर आएंगे। साथ ही साथ नंबर छह पे टॉम करन खेलेंगे। फिर टॉम करन की बात करते हैं फ्रेंड, टॉम करन बहुत अच्छे प्लेयर है, इनका इनसे जो रिलेटिव में कुछ न्यूज आपको आगे वीडियो में बता रहा, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। साथ ही साथ नंबर चार पे आपको जैक एडवर्ड खेलता नजर आएंगे, फिर बैंड नंबर 8 पे खेलेंगे। वही बात करते हैं फिर सीन अबाउट 9 पे और 10 पे एलपॉप और 11 पे जो है आपको यहाँ से फिर जे ब्रीड खेलते नजर आएंगे। वही बात करते हैं फिर से एडिलेड स्ट्राइकर की, तो ये जो है इसकी प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक दो चेंजेस हो सकते हैं, हालांकि मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ एक ही चेंजेस होंगे, लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर चाहे तो यहाँ से दो तीन चेंज भी कर सकती है। बात करते हैं फ्रेंड्स इनके प्लेइंग इलेवन की, तो ऐसे फ्रेंड्स जैक विथरलैंड ओपन करेंगे फिलिप सेल्टर के साथ, नंबर तीन पे मैथ्यू साइड आएंगे, फिर नंबर चार पे एलेक्स केरी, नंबर पांच पे आपको जो है जोनाथन विल्स खेलते नजर आएंगे, फिर नंबर छह पे आपको कैमरन व्हाइट, नंबर सात पे राशिद खान, और राशिद खान तो लास्ट मैच में क्या पिटाई किए थे, बहुत ही एक मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। वही बात करते हैं फिर से अपने सी वैलेंट को ट्राई कर सकते हैं, फिर पीटर सडील को ट्राई कर सकते हैं जो कि नंबर 9 पे खेलेंगे, फिर मिचेल लिसर को ट्राई कर सकते हैं जो कि आते फ्रेंड्स एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से नए जुड़े हैं, ये नंबर 10 पे खेलते नजर आएंगे। साथ ही साथ नंबर 11 पे जो है आपको बिल्ली स्टैनली खेलते नजर आएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे ड्रीम इलेवन टीम की, तो फिर ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो यहाँ से देखिए ड्रीम इलेवन टीम में आपको विकेट कीपिंग में दो विकेट कीपर के साथ जाना होगा, जे फिलिप्स और एलेक्स केरी दोनों को अपनी टीम में लेना पड़ेगा। अब देखिए दोनों को इसलिए टीम में लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और अच्छे प्लेयर है, तो आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। खास करके आते हैं फ्रेंड्स फिलिप का जो है इस ग्राउंड पे काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, यहाँ पे आप अगर बात करते हैं इनके जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, डोमेस्टिक मैचेस में भी इनका बहुत ही अच्छा रहा है, खास करके इस पिच पे इनका बहुत ही मतलब एक जैसे कि आपको समझ सकते हैं ये इस पिच पे काफी ज्यादा पिटाई करते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है। आप चाहते हैं जे फिलिप्स को अपनी टीम में कैप्टन भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है, खास करके इस पिच पे जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स अपने से एलेक्स केरी को भी ट्राई कर सकते हैं जो कि नंबर 4 पे खेलेंगे, आप इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, और आज के मैच में हो सकता है कि एलेक्स केरी नंबर 3 पे भी बैटिंग करने आ जाए, ये हो सकता है, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता लेकिन आज के मैच में हो सकता है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से अदर ऑप्शन की, तो आप ऐसे फिर जॉय विंस को ट्राई कर सकते हैं जो कि आपको नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलेंगे। वही बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से डैनियल हक्स को ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं जोनाथन विल्स को ट्राई कर सकते हैं, जैक विथरलैंड को ट्राई कर सकते हैं, टॉम करन को ट्राई कर सकते हैं जो कि ऑलराउंडर ऑप्शन पर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे टॉम करन की,
तो फिर टॉम करन का जो वन ऑफ द बेस्ट जो बोलता है T20 फॉर्मेट, तो एज अ फिर बिग बैश लीग में जो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था, खास करके एज अ फिर बिग बैश लीग में ही जो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, और इसी को देखते हुए एज अ फिर जो KKR ने इनको अपनी टीम में परचेज भी किया था। हालांकि IPL में नहीं चले, लेकिन एज अ फिर बिग बैश लीग में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। रिसेंट 2-3 साल से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो आप अपनी टीम में चाहे तो इन्हें वाइस कैप्टन बना सकते हैं। लेकिन अगर इनसे अच्छा चॉइस की बात करते हैं फिर, तो इनसे अच्छे बेटर चॉइस है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, तो आप चाहे तो वाइस कैप्टन इन्हें बना सकते हैं। बाकी फिर बात करते हैं तो मिचेल निसर को भी ट्राई कर सकते हैं, मिचेल निसर भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी अगर फिर सीन अबाउट बेन डोरेसिस और राशिद खान को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिर से मैच प्रडिक्शन की, तो ऐसे फिर देखिए मैच प्रडिक्शन की बात करते हैं फिर, तो अगर आप ऐसे फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट जो है स्मॉल लीग में, अगर जैसे स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 बंदों वाली लीग खेलें, 4 बंदों से ज्यादा वाली लीग खेलेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ से फिर इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर क्या चेंज करेगी ये अभी तक तो कोई कंफर्म नहीं है। हालांकि यहाँ से फिर ये स्क्वाड तो निकाल दिए, 13 14 मेंबर्स की स्क्वाड निकाल दिए हैं, लेकिन यहाँ से फिर बात करते हैं ये क्या चेंजेस करेंगे अभी कोई कंफर्म है नहीं। तो अगर आप मैच के पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइनअप आउट होने के बाद आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितनी भी मेंबर वाली लीग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइनअप के पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट 4 ही बंदों वाली लीग में इन्वेस्ट करें तो आपको बेस्ट होगा। और मैं खुद ही इस मैच में जो 4 बंदों वाली लीग में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। आप H2S 3 मेंबर और 4 मेंबर वाली लीग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वाली लीग में आप इन्वेस्ट ना करें। वही बात करते हैं तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन आपके पास 4 चॉइस, आप 4 में से किसी को भी दे सकते हैं, जे फिलिप्स, एलेक्स केरी, टॉम करन, और यहाँ से फिर चौथा जो चॉइस है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, आप यहाँ से जॉय विंग्स या जेक विथरलैंड, ये 2 में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आप इन 3 में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अगर आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो कर लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।